हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे सिंपल आलू फ्राई, जिसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। और इसे बनाने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 6 से 7 आलू, जिन्हें मैंने छिलकर अच्छे से धो लिया है। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मैं यहाँ पर देगी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला। अब मैं आपको आलू काट के दिखाती हूँ किस तरीके से आपको आलू काटते हैं। ये देखिए, मैंने एक आलू लिया है। पहले मैं इसको बीच में से हाफ कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे हाफ कर लिया है। अब इस हाफ पार्ट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। देखिए, 1, 2 और 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से ये जल्दी गल जाते हैं। आपको कभी भी लंच में बनाने हो, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। जितने हम छोटे पीसेस काट करेंगे, ये उतनी जल्दी पक जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, तो आप अपने लंच के लिए बना सकते हैं या बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे आलू काट लेने हैं। तो मैं बाकी के भी आलू काट लेती हूँ। अब हम गैस ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कोशिश करें कि नॉनस्टिक कढ़ाई लें। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जीरे का कलर चेंज हो चुका है। हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। आप जो रेगुलर लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है सब्जी में। और मैं यहाँ पर चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर चाट मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे मैं हाई फ्लेम पे पहले 5 मिनट तक पकाऊंगी, और उसके बाद हम इसे फिर कवर कर देंगे। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। हमें तब तक आलू को पकाना है जब तक ये गल ना जाए। और गैस को मैंने मीडियम पे रखा है। ये देखिए, बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू गले हैं या नहीं। ये देखिए, हमें बहुत ज़्यादा आलू को नहीं गलाना है, ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू हमारे गल चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। ये देखिए, आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसे हम हाई फ्लेम पे फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, मैंने आलू को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये आलू। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे आलू।
अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा, ऑफिस ले जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी